प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता कर्मवीर सैनी के नेतृत्व में दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर SDM मनदीप कुमार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत गुरु रविदास के मंदिर का दोबारा निर्माण करने, निर्दोष युवाओं को रिहा करने तथा मुआवजा देने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी वीर भवन से शुरू होकर शहर के बीच से होते हुए SDM कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कर्मवीर सैनी ने कहा कि दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास के 700 साल पुराने मंदिर को तोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका तुरंत दोबारा निर्माण करवाकर भव्य मंदिर बनाया जाए और मंदिर तोड़ने वालों के विरोध में आक्रोश स्वरूप शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे युवाओं को जो इस मामले में जेल में बंद है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और इनमें गांव छापर के गुरबचन व सिंघाना के सोमपाल शामिल हैं। इस घटना में जिन सैकड़ों लोगों प्रदर्शन के दौरान गंभीर चोट आई है उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए। और सैनी ने कहा कि RSS प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण पर पुनर्विचार करने के बयान से दलित व पिछड़ा वर्ग को भय सता रहा है कि भाजपा आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। सैनी ने कहा कि भाजपा दलित व पिछड़ों को बर्बाद करने पर तुली हुई है, इसीलिए इस प्रकार के बयानों पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि दलित व पिछड़ा वर्ग के लोग कानून और देश के संविधान और संत महापुरुषों में आस्था और विश्वास रखने वाले हैं, लेकिन बार बार गलत मानसिकता के लोगों द्वारा संवैधानिक पदों व संस्थाओं के आड़ में पूरे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग व संविधान को मानने वाले लोगों की आस्था और विश्वास को चोट कर उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, तो इस पर रोक लगाई जाए। सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय दलित व पिछड़ों का पूरा मान सम्मान किया जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो मान सम्मान भाजपा ने दलित और पिछड़ों से छीना है उनका हिसाब लिया जाएगा और सभी को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। तो इसी के साथ देखते रहिए हमारा चैनल रियल इंडिया, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसको दोबारा निर्माण के लिए और दूसरा 96 के करीब हमारे नौजवान जो उसमें जेल में बंद है और दो यहाँ सभी दो हल्के के, एक तो छापर गांव का है गुरबचन, एक सोमपाल है सिंघाना का, उनको दोनों को भी रिहाई करा जाए और उनको दिमाग खारिज किया जाए। और थर्ड हमारी है भाई इनको मुआवजा, कईयों को बहुतों को चोट लग रही है जिनमें सैकड़ों घायल हो रहे हैं, किसी की टांग टूट रही है, किसी की बांध टूट रही है, तो उनको मुआवजा दिया जाए। और थर्ड ये है एक आरक्षण के बारे में बार बार जो है ना मोहन भागवत जी कहते हैं इनका पूर्ण विचार होना चाहिए भाई आरक्षण खत्म करे क्या करे, तो एक ये है इसको आरक्षण को ना छेड़ा जाए दलित और पिछड़ा वर्ग को जो मिला हुआ है। तो ये चार हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, तो राष्ट्रपति जी को अपने हमारे भेजने प्लीज इनको। चलिए ठीक है जी, आज कर्मवीर सैनी जी की अगुवाई में जो आप सभी ने ये चार पांच आपकी मांगे रखी हैं वो मैं उचित माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति पति जी को पहुंचा दूंगा और आप सभी का बहुत